जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। अगर हम डिस्ट्रैक्शन शब्द का ओरिजिन देखें तो बहुत उपयोगी डेफिनेशन मिलती है। लैटिन में शब्द है ट्रहेर, जिसका मतलब है खींचना, घसीटना या हिलाना, और डिस का मतलब है अलग, दूर या उल्टा। जो व्यक्ति या वस्तु आपको अपने लक्ष्य से मोड़कर, घसीटकर, खींचकर दूर, उल्टा या अलग ले जाता है, उसे डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। बड़े बड़े मैच्योर कामयाब लोग, बिजनेसमैन और अफसर भी ये नहीं पहचानते कि उनके प्रोसेस में, उनके जीवन में कितना डिस्ट्रैक्शन है। इसलिए मैं एक बार डिस्ट्रैक्शन की डेफिनेशन को फिर से रिपीट करता हूँ। जो भी चीज, इंसान या वस्तु आपको अपने लक्ष्य के सीधे रास्ते से, यानी प्रोसेस से मोड़कर, खींचकर, घसीटकर दूर, उल्टा या अलग ले जाता है, उसे डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। अगर मैं और आप अपनी कार्यशैली या जीवन में से डिस्ट्रैक्शन कम करते जाएं, तो बचेगा प्योर कंसंट्रेशन। और इस डिस्ट्रैक्शन से कोई नहीं बचा है, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई और। एक रिसर्च में देखा गया कि 68 वर्किंग प्रोफेशनल्स एक घंटे में औसतन 10 बार बिना मतलब के एक ऐप से दूसरा ऐप खोलते हैं, यानी हर 6 मिनट में अपना कंसंट्रेशन भंग करते हैं। और इसकी कीमत केवल आपके काम या पढ़ाई को नहीं भुगतनी पड़ती, यानी डिस्ट्रैक्शन का असर केवल आपके काम पर नहीं होता। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च में 44% स्टूडेंट्स कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन के कारण संतुष्टि महसूस नहीं होती, दिन भर बेचैनी सी रहती है, ऐसा लगता है कि समय निकलता जा रहा है और कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। दोस्तों, जब भी हमको लगता है कि परिस्थिति पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो बेचैनी होती है और स्ट्रेस बढ़ता है। इसलिए कॉम्पिटिशन या एग्जाम सिलेबस को लेकर स्ट्रेस होना बहुत लाजमी है, क्योंकि ना हमारा समय पर कंट्रोल है, ना ही कॉम्पिटिशन पर। इस समस्या से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? स्ट्रेस से निकलने का तरीका है कि केवल आज और कल का रियलिस्टिक गोल बनाओ, जिससे आपको अंदाजा हो कि आप 2 दिन में कितना कर सकते हो। फिर आज के गोल को 4-4 घंटे के 2 पार्ट्स में तोड़ दो। अभी आपका मिशन ऑब्जेक्टिव है कि केवल पहला टारगेट पूरा करना। इस 4 घंटे के टारगेट को पेज पर लिखकर सामने रखो। अगर आदतन वापस चिंता हो तो इसको देखो और काम पर लौटो। जब आप टारगेट छोटा करते हो तो आपको कंट्रोल महसूस होता है कि हाँ, इतना तो किया जा सकता है, जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है। दूसरी बात हमको ये समझना है कि फुल कंसंट्रेशन के साथ लंबे समय तक पढ़ना हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि हम फुल कंसंट्रेशन के साथ हर दिन अपना टारगेट पूरा करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? स्टैनफर्ड इकोनॉमिस्ट जॉन पेनकेवल कहते हैं कि जब लोग 10% ओवरटाइम करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी 25% कम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ, अगर आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ हर दिन 6-8 घंटे पढ़ सकते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी होगा। पूरे ध्यान के साथ पढ़ने का क्या तरीका है? कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब स्ट्रेट ए में कहते हैं कि आप 50 मिनट पढ़िए और 10 मिनट ब्रेक लीजिए, या आप पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए, जो छोटे ड्यूरेशन और गहन ध्यान को महत्व देती है, यानी 25 मिनट पढ़िए और 5 मिनट ब्रेक लीजिए। ये दोनों तरीके सही हैं, लेकिन इसके साथ आपको एक और कंसेप्ट समझने की जरूरत है, डीप ब्रेक्स। इसके 2 कारण हैं। पहला स्पष्ट है कि दिमाग को बीच में आराम करने की जरूरत है, और दूसरा अटेंशन रेसिड्यू। जब आप एक बड़े कंसेप्ट से या सब्जेक्ट से दूसरे पर जाते हैं, तो आपका ब्रेन एकदम से स्विच नहीं कर पाता। कुछ देर तक पुरानी इन्फॉर्मेशन आपके अंदर घूमती रहती है, जिस कारण आप नई इन्फॉर्मेशन पर पूरी तरह फोकस नहीं कर पाते। इसलिए डीप वर्क के लिए आपको डीप ब्रेक्स भी चाहिए, ऐसे ब्रेक्स जो अटेंशन रेसिड्यू पैदा करने की जगह उसे खत्म करे। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप ब्रेक्स 10 मिनट से ज्यादा के नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपका ध्यान कहीं और चला जाएगा और डीप ब्रेक्स का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। आप डीप ब्रेक्स में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिसके साथ आप एंगेज हो जाओ, या जो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचे, जैसे सोशल मीडिया, अपने दोस्त से बात करना या मूवी का ट्रेलर देखना, क्योंकि एक ये दिमाग को रेस्ट नहीं करने देता, दूसरा दिमाग में ये सारी बातें गोल गोल घूमती हैं। डीप ब्रेक्स में आप वो काम करना चाहते हो जो उस 5 या 10 मिनट में खत्म हो जाए, क्योंकि अधूरा काम भी दिमाग में अपनी जगह बना लेता है और बार बार याद आता है। डीप ब्रेक्स के लिए 5 सबसे कारगर तरीके हैं। सबसे पहले आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, या 5 मिनट शांत होकर गाइडेड मेडिटेशन सुन सकते हैं। जब आप कॉन्शियसली अपनी सांस पर कंट्रोल करते हैं, तो अपने दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि सब कुछ ठीक है, हार्ट रेट सुधरता है, डाइजेशन पर असर पड़ता है, कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन भी कम हो जाते हैं, जिस कारण दिमाग रिलैक्स कर पाता है
इसलिए डीप ब्रीदिंग और उसके बाद गाइडेड मेडिटेशन डीप ब्रेक्स के लिए नंबर वन एक्सरसाइज है। तीसरे नंबर पर आते हैं स्ट्रेचेस, जो आप अपनी चेयर पर बैठकर या खड़े होकर आसानी से कर सकते हैं। जब आप स्ट्रेच करते हैं तो शरीर एंडोर्फिन्स छोड़ता है और दिमाग को रिलैक्स होने का सिग्नल जाता है। साथ में एंडोर्फिन्स शरीर में दर्द की भावना को कम करते हैं और पॉजिटिव फीलिंग्स पैदा करते हैं। YouTube पर ये दो वीडियो मुझे काम के लगे, इनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। डीप ब्रेक्स के चौथे नंबर पर आप अकेले छोटी वॉक पर जा सकते हैं या आराम से 10 मिनट अपना रूम का एक हिस्सा साफ कर सकते हैं या टेबल जमा सकते हैं। मान लो आपके बगल में आपका बातूनी दोस्त बैठा है जो आपको बार बार बोल रहा है, ओ सुनना भाई सुनना, तो क्या आप ऐसे हालात में पढ़ पाएंगे? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। भले ही आप ध्यान देना नहीं चाह रहे, फिर भी अनजाने में आपका दोस्त आपका ध्यान ले रहा है। तो ठीक उसी प्रकार आपके स्टडी टेबल पर या आपके कमरे में फैली हुई बेकाम की चीजें आपका ध्यान अपनी ओर खींचती हैं, और इसका असर सीधे आपकी सेहत पर भी होता है। एक स्टडी में देखा गया कि जो लोग फैले कमरे में सोते हैं उनको गहरी नींद में दिक्कत होती है और सुबह उठने के बाद भी थकान बनी रहती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? हमारा दिमाग पैटर्न मैचिंग मशीन है। अगर आपको टेढ़ी मेढ़ी लाइंस भी दिखाई दें तो भी आपको उसमें कुछ ना कुछ दिखने लगेगा। मतलब जो भी आपके आसपास दिख रहा है, आपका दिमाग लगातार उसका मतलब निकालने की कोशिश कर रहा है। दिमाग की इस परखने और समझने की शक्ति को कॉग्निटिव पावर कहते हैं, और जब दिमाग को ये इन्फॉर्मेशन जरूरत से ज्यादा मिलती है तब इसे कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं। यानी जितना बेमतलब सुंदर सामान या कचड़ा आपके रूम में भरा है उतना आपका दिमाग थकेगा और आप कंसंट्रेट करने की काबिलियत खो देंगे। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए? आपके टेबल पर और आपके रूम में आपको कम से कम फैला हुआ सामान दिखना चाहिए। आपके टेबल पर बस एक सेशन काम आने वाली किताब, नोटबुक और पेन काफी है। अगर एग्जाम टाइम में आपके पास कमरा जमाने का समय नहीं है तो किताब कपड़े एक्स्ट्रा सामान समेटकर बैग में भरकर अलमारी में रख दीजिए या पॉलिथिन बैग में भरकर बिस्तर के नीचे छिपा दीजिए। इसके बाद डाइट की बात कर लेते हैं। ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब है कि खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कितनी जल्दी मेटाबोलाइज होकर हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ाते हैं। जितना ब्लड शुगर बढ़ने की स्पीड होगी उतना ज़्यादा ग्लाइसीमिक इंडेक्स का स्कोर होगा। ये जानकारी हमारे लिए बहुत काम की है, क्योंकि जब आपके शरीर में जितनी गति से शुगर लेवल बढ़ता है उतनी गति से नीचे भी गिरता है, जिसे शुगर क्रैश कहते हैं। शुगर क्रैश के कारण कई हॉर्मोन्स का बैलेंस बिगड़ता है, जिस कारण आपको थकावट, लो एनर्जी, ब्रेन फॉग और इरिटेशन महसूस होता है। इसलिए आपके नाश्ते, लंच और डिनर का नींद से गहरा रिलेशन है। पास्ता, व्हाइट ब्रेड, मैदे से बनी अन्य चीजों को दूर करिए। चावल, आलू सीमित मात्रा में खाइए और बाकी ज्यादा मत सोचिए। अगर आप चाय या कॉफी पीते हैं उसमें शक्कर या तो बंद कर दीजिए या कम से कम कर दीजिए। इसकी जगह आयुर्वेद में काली मिर्ची, अदरक, दालचीनी और हल्दी को दिमाग तेज रखने के लिए बताया गया है। इनका पाउडर बनाकर रख लें और गर्म पानी में काला नमक के साथ मिलाकर चाय की तरह पी सकते हैं। दिन भर में एक बार भी पीना काफी है। इसके साथ दिमाग के लिए बादाम, अखरोट, तिल मुख्य है, जो आपका दिमाग तेज रखते हैं, और इनको उचित मात्रा में खाने से नींद भी नहीं आती। कई लोग सलाह देते हैं कि हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना चाहिए, लेकिन आपके शरीर को खाना पचाने के लिए मेहनत लगती है और शक्ति भी खर्च होती है। जब पेट खाली होता है तो आप ज्यादा चौकन्ने होते हैं और दिमाग भी तेज चलता है। इसलिए जबरदस्ती एनर्जी के लिए मत खाइए। अगर सच में भूख लगती है तो कुछ खा सकते हैं। अपने साथ कुनकुने पानी की बोतल रखिए। झूठी भूख लगे तो पानी पीजिए। इससे एग्जाम टाइम में आपका वजन नहीं बढ़ेगा। गर्म पानी के और भी फायदे हैं। रिसर्च के अनुसार गर्म पानी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शांत करता है, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है। गर्म पानी पीने से सर दर्द और पेट की गैस में भी आराम मिलता है। दोस्तों, वीडियो को अब जल्दी से समराइज कर लेते हैं। हर वो चीज डिस्ट्रैक्शन है जो आपको अपने लक्ष्य से मोड़कर, खींचकर, घसीटकर दूर, उल्टा या अलग ले जाती है। डिस्ट्रैक्शन हटाते जाइए, कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। हम स्ट्रेस में तब आते हैं जब हमको लगता है कि परिस्थिति पर हमारा कंट्रोल नहीं है। एग्जाम में स्ट्रेस से बचने का एक तरीका है कि पहले अंदाजा लगाओ कि 2 दिन में आप कितना काम कर सकते हैं, फिर आज के टारगेट को 4-4 घंटे के 2 पार्ट्स में तोड़ दो। अभी आपका मिशन ऑब्जेक्टिव है पहले 4 घंटे के टारगेट्स को पूरा करना।
हमारा उद्देश्य हमेशा ध्यान के साथ अपना टारगेट पूरा करने में होना चाहिए। इसके लिए अगर ईमानदारी से पूरे ध्यान के साथ आप 6 से 8 घंटे काम करें तो आपकी बहुत स्पीड और एफिशिएंसी होगी। या तो टाइमर लगा के 50 मिनट काम कीजिए, फिर 10 मिनट ब्रेक लीजिए, या 25 मिनट काम कीजिए और 5 मिनट ब्रेक लीजिए। इनके साथ आपको जरूरत है डीप ब्रेक्स की। आप डीप ब्रेक्स में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जो आपको एंगेज करे या जो काम अधूरे छूट जाए, क्योंकि डीप ब्रेक्स में आप अपने दिमाग को थकावट और अटेंशन रेसिड्यू से बचाना चाहते हैं। डीप ब्रेक की टॉप 5 एक्टिविटीज हैं: डीप ब्रीदिंग, गाइडेड मेडिटेशन, स्ट्रेच, शॉर्ट वॉक एंड अरेंज योर एनवायरनमेंट। अपना टेबल, अपना कमरा साफ रखिए, क्योंकि आपका दिमाग पैटर्न मैचिंग मशीन है। फैला हुआ सामान आपका ध्यान खींचता है और दिमाग को थकाता है। अगर आपके पास समय नहीं है तो जितना भी फालतू सामान आपके कमरे में बैठा हुआ है उसे बैग पॉलिथिन में समेटकर अलमारी में बंद कर दीजिए या बिस्तर के नीचे छिपा दीजिए। जब शरीर शुगर जल्दी एब्जॉर्ब करता है तो इंसुलिन छोड़कर उसे जल्दी कंट्रोल भी करता है। इस शुगर क्रैश के साथ बाकी हार्मोन बैलेंस भी बिगड़ता है, जिस कारण थकावट, नींद, मूड स्विंग्स वगैरह सब होता है। इसलिए मैदा, सफेद ब्रेड, पास्ता से अभी के लिए दूरी बना लें। चावल, आलू सीमित मात्रा में लें, और अगर चाय कॉफी पीते हैं तो शक्कर की मात्रा कम करते हुए खत्म कर दीजिए। एनर्जी के लिए हर 2 घंटे में खाने की जरूरत नहीं है। अगर भूख लगती है तो फल या थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, नहीं तो गर्म पानी भी चलेगा। ये एग्जाम टाइम में आपका वेट नहीं बढ़ने देगा। झूठी भूख को दूर रखने के साथ साथ गर्म पानी नर्वस सिस्टम को भी रिलैक्स करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो पोमोडोरो टेक्निक पर वीडियो जरूर देखिए कि कैसे आप टाइमर की मदद से प्रॉपर ब्रेक्स लेकर 6 से 8 घंटे पूरे ध्यान के साथ कैसे काम कर सकते हैं। अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।